हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर सुरक्षित होंगे मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी एस सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिक एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ़ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो इसकी एक्सरसाइज सिक्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे बात करें एक्सरसाइजेज़ की तो इसमें टोटल आपकी ट्वेल्व एक्सरसाइज हैं जिसमें से कि एक्सरसाइज क्सरसाइज नाइन टेन इलेवन टवेल्व आपको नहीं करनी इन चारों एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की वो आपकी एक्सरसाइज एट तक ही रहती है तो एक्सरसाइज एट तक ही इसमें आपको करना है और उतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा क्वेश्चन आएगा तो उसी के अंडर से आएगा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा दूसरी चीज जितने क्वेश्चन में आपको क्लासेस में कराती हूँ वो प्लस जितने एग्जाम्पल्स हैं वो वो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं उसमें आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना उससे अलग आपकी मर्जी है आप चाहें तो कर सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है अगर टाइम कम है तो जितना करा दिया उतना सफिशिएंट है और अगर टाइम है तो आप करना चाहें तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो एक्सरसाइज सिक्स तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेवन एक्सरसाइज सेवन से पहले आपको कुछ टर्म्स समझनी ज़रूरी हैं एग्जैक्ट

डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहोगे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे ठीक है वर्किंग रूल क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एनडीवाई इज इक्वल्स टू सी ट्रेडिंग वाई एस कॉन्स्टेंट अगर आप क्या कर रहे हो एम इंटू डी एक्स ले रही हूँ तो इस कंडीशन में वाई को एज अ कॉन्स्टेंट लोगे और अगर एनडी वाई वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हो तो टेक ओनली टर्म्स इन एन विच डू नॉट कंटेन एक्स तो आपको ओनली कौन से टर्म्स लेनी है वो टर्म्स लेनी है जिनमें क्या हो सिर्फ एन हो एक्स ना हो यानी कि वो टर्म्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो एन हो एक्स ना हो तो आपको वो टर्म्स लेनी बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज so, सेवन का क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस तो आपको इसको सॉल्व करना है सबसे पहले क्या करोगे इसको एम डी एक्स प्लस एनडीवाई की फॉर्म में बनाओगे तो यहाँ से इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इंटू डी वाई डी एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर दोगी हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इसको इधर की साइड लेके आओगे तो ये आपका माइनस में चेंज हो जाएगा अब चाहे तो आप इसको इधर की साइड लेके आ जाओ या फिर इसको इधर की साइड लेके आ जाओ तो सपोज दैट ये हमने एज इट इज रखा इसको इधर की साइड लेके आ गई तो ये माइनस में चेंज

प्लस माइनस माइनस तो यहां से देखिए एन की वैल्यू कितनी आएगी एन डी वाई है तो वाई के प्लेस पे तो डी वाई है एन की वैल्यू कितनी आ रही है ये कंप्लीट यानी कि माइनस के टू सॉरी माइनस के एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव ये कंप्लीट किसकी वैल्यू आ गई एन की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालना होगा डैल एम अपॉन डेल वाई और डेल एम अपॉन डेल एक्स तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे यानी कि जो एम आया इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना कितना आ जाएगा वाई का करोगे तो वन हो जाएगा क्योंकि अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स तो कॉन्स्टेंट हो और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो तो वाई का करोगे वन और साथ में माइनस साइन है तो कितना जाएगा माइनस वन और अगर आप एम का ही करते हो किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहां से देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा अच्छा एक चीज का ध्यान देना यहां पर मिस्टेक कर हो एम नहीं है यहां पर डेल एन अपॉन डेल एक्स डेलम अपॉन डेलवाई और डेलन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ही तो हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये आपका एन होगा यानी कि एन का डिफ्रेंशिएशन करोगे पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में तो देखना एक्स वाले टर्म ओनली ये है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे वन हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी माइनस वन बाकी वाई और ये सभी टर्म्स एज अ कॉन्स्टेंट रहेंगी तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो तो हमें क्या लाना था अगर ये एक्जैक्ट डिफ्रेंशियल इक्वेशन होगी तो उस कंडीशन में डेलम अपॉन डेलवाई किसके इक्वल आना चाहिए डेलन अपॉन डेल एक्स के तो यहां से देखना डेलम अपॉन डेलवाई किसके इक्वल आ रहा है आपका अपॉन डेलेक्स की इक्वल आ रहा है तो यहां से आप इसको क्या लिखोगे ये यहां पे एन है सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट सो द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफ्रेंशियल इक्वेशन है वो हमने निकाल ली कैसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे क्या था फॉर्मूला इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी एम की वैल्यू पुट करोगे इंटू डी एक्स प्लस एन की वैल्यू पुट करोगे इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना ये माइनस टू वाई माइनस फाइव क्यों लिखा है यहाँ पे क्या लिया था मैंने जब आपको फॉर्मुला लिखा है तो उसमें मैंने आपको लिखाया था क्या ट्रीटिंग नहीं लेनी तो एन की वैल्यू क्या माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव एक्स आया तो एक्स तो वाले टर्म आप नहीं लोगों ओनली क्या लोगे टू वाई माइनस फाइव लोगे बाकी माइनस साइन एज इट इज इंटू डी टू सी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा एक्स स्क् टू, टू, टू कैंसिल आउट कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई देखिए वाई को जब ऐसा कॉन्स्टेंट लोगे तो वाई के इनटू में कितना होगा यहाँ पे वन भी होगा वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा एक्स कांस्टेंट टर्म आपकी एज इट इज आती है उसके बाद में माइनस साइन वाई का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा वाई स्क्वायर बाय टू टू से टू कैंसिल आउट कितना बचेगा ओनली वाई स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फाइव में वन होगा वन का इंटीग्रेशन करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो कितना जाएगा? Y तो आ जाएगा वाई और इज इक्वल्स टू में सी तो यहाँ से टर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू सी और यही क्या जाएगा? आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा

और n वाली जब आप वैल्यू पुट करोगे तो उसमें x आप नहीं लोगे ठीक है x वाले टर्म को छोड़ के बाकी की सभी टर्म्स लिख के तब सॉल्व करोगे इसके बाद में इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये आपके पास में इक्वेशन गिवन है ये किस फॉर्म में है ऑलरेडी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई इंटू डी इक्वल्स टू जीरो तो और इस वाले वाई की भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा टू ए एक्स वाई प्लस बीवाई स्क्वायर इंटू डी एक्स तो ये किस फॉर्म में बन जाएगी एग्जैक्ट एम डी एक्स प्लस एनडीवाईक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में सो कंपेरिजन करोगे आप दोनों इक्वेशन की तो एम की वैल्यू कितनी आएगी टू ए एक्स वाई प्लस स्क्वायर और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई क्या निकालोगे डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स तो m का डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो x तो एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा तो टू ए एक्स तो कांस्टेंट है y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन हो जाएगा यहाँ पे b कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा टू तो ये टर्म हो जाएगी टू उसके बाद में एन का डिफ्रेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आ जाएगा टू एक्स तो यहाँ से टर्म हो जाएगी टू ए एक्स प्लस टू बी वाई क्योंकि एक्स का कर दोगे तो कितना हो जाएगा वन अब आप देख सकते हो डैलम अपॉन डेल वाई किसकी इक्वल आ रहा है डैलन अपॉन डेल एक्स की इक्वल एक आ रहा है तो इट मीन्स ये इक्वेशन कैसी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे लिख दोगे डैलम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डैलन अपॉन डेल एक्स सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट सो द सॉल्यूशन ऑफ़ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है फॉर्मला इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्ल्स टू सी एम की वैल्यू पुट करोगे टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स है प्लस एन एन की वैल्यू क्या लिखोगे देखिए एन की वैल्यू क्या है यहाँ से ये और हमने क्या कहा था कि एक्स वाले टर्म हमें क्या करनी है नेगलेक्ट हमें एक्स वाले टर्म लेनी नहीं है और इसमें तो दोनों टर्म एक्स एक्स की हैं तो हम क्या लेंगे ओनली इसके इंटू में जो वन है उस वन को लेंगे यानी कि एन की वैल्यू क्या लेंगे ओनली वन लेंगे हमें एक्स वाली टर्म्स नहीं लिखनी है तो एन के प्लेस पे क्या जाएगा वन इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो सॉल्व करोगे इसमें वाई को एज अ कॉन्स्टेंट लेके चलोगे तो टू ए वाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल आउट कितना बचा ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आ जाएगा और यहाँ से वन वन का इंटीग्रेशन करोगे वाई के रिस्पेक्ट अच्छा वन नहीं सॉरी एक सेकेंड एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों क्या एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसके इंटू में इन में ही तो वन है लेकिन अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन को लेके चले इस वन की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स क्या आएंगे हमारी एक्स की फॉर्म में आएंगी तो यानी कि यहाँ से सभी टर्म्स किस में है एक्स की फॉर्म में है सिंपल आपको कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है तो एन की वैल्यू यहाँ से जीरो आएगी कितनी आएगी एन की वैल्यू जीरो आएगी इसमें आप कन्फ्यूज मत होना ठीक है कभी मेरी तरह हो जाए और फिर एग्जाम में आपकी मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो इंटू डी वाई और इज इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा सो so, यहाँ से आपकी टर्म क्या आ जाएगी ये आ जाएगी इसका आप क्या करोगे x के रिस्पेक्ट में सॉरी dx है तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से ये टर्म आ जाएंगी ज़ीरो का इंटीग्रेशन आपका जीरो आ जाएगा और इज इक्वल्स टू में c कॉन्स्टेंट टर्म आपकी c ही चलेगी ये ज़ीरो नहीं है c है यहाँ से आगे देखिए इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपके पास में ये जो आ जाएगी ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है इसमें ये आपको इक्वेशन दे रखी है किस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एनडी वाई टू जीरो की फॉर्म में कम्पेरिजन कर लोगे एम की वैल्यू क्या प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्र और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो डेल वाई की वैल्यू निकालोगे पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिए जीरो वाई का वन तो यहां से बचा फोर एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई टू 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 जो फोर वाई एन का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली तो

अब इसमें ध्यान रखना ये भी एक्स है ये भी एक्स है, है तो ये दोनों टर्म्स तो आप नहीं लिखोगे लेकिन यहाँ पे वन भी तो है तो इसलिए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम इस बार वन लिखेंगे इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी यहाँ पे एक बार क्या करोगे इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और वाई को एज अ कॉन्स्टेंट लोगे तो वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा उसके बाद में फोर वाई कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू टू से कैंसिल आउट टू टाइम्स तो कितना आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई टू वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स आ जाएगा वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे वाई आ जाएगा इज इक्वल टू में सी तो ऐसा टर्म क्या जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी और यही क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इसके बाद में में क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आपको गिवन है सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे किस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में तो ये आपका हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डीवाई इज इक्वल्स टू इस ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करके और एक एक बार दोनों के अपॉन में इसको तोड़ लोगे तो एक बार टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स अपोन एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अब यहाँ से आप एक लाइन देखना ये डी एक्स वाले टर्म है इधर की साइड आके प्लस में हो जाएगी तो यहाँ से कितना बचेगा एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स कॉमन ले लूंगी और एक बार ये वाली टर्म इधर आके माइनस में हो जाएगी तो वाई माइनस दिस और इन टू में डी वाई और इज इक्व टू में कितना बचेगा जीरो तो फॉर्म कौन सी बन जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो उस कंडीशन में आपके पास में वो लाइन सॉल्व करके लिख लेना यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया इन्होंने तो एम किसके इक्वल आ जाएगा इस वाले टर्म के और एन किसके इक्वल आ जाएगा इस वाले टर्म के

टर्म है इसका आप सॉल्यूशन करोगे क्या करोगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का differentiation, तो y का डिफरेंसिए माइनस साइन वाई को कॉन्स्टेंट रखोगे इनका करोगे तो y square का करोगे कितना टू वाई तो कितना जाएगी टर्म टू वाई इस वाले टर्म का square. तो a square, ये किसका फॉर्मुला बन रहा है सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस करोगे टू वाई स्क्वायर कितना बचेगा माइनस के वाई और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी डैलम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी सेम इसी तरीके से एन का करोगे पार्शियली डिफ्रेंशिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो सॉल्व करने पे आप पर आपका ये आ जाएगा तो इस कंडीशन में आप देखोगे डैलम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ रहा है डैलन अपॉन डेल एक्स की तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सो so, सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन एमडीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एनडीवाई इज इक्वल्स टू सी एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इनटू डी एक्स प्लस एन की वैल्यू पुट करोगे एन की वैल्यू में ध्यान रखना एक्स वाली टर्म्स नहीं लेनी तो यहां से देख लीजिए एक बार ये आपकी एक्स वाली टर्म रहेगी तो ये तो आपको नहीं लेनी क्या लेना है ओनली तो एन के प्लेस पे क्या आएगा आपका y इंटू डीवाई इज इक्वल्स टू सी इसको सॉल्व करोगे x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स यहाँ से देखिए ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी अगर आप नीचे वाले टर्म देखो y को क्या लोगे आप एज अ कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट है तो ए स्क्वायर वाई तो कॉन्स्टेंट हो गया अब वन अपोन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्यर वाई कैसे लोगे एज अ कॉन्स्टेंट और आपको पता है कॉन्स्टेंट अगर हम लेट करते हैं ए तो वन अपोन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्र का इंटीग्रेशन करना हो तो किसके इक्वल होता है वन अपोन ए टेन इनवर्स एक्स a ए तो ए की जगह कितना है यहाँ पे वाई

सभी के अपॉन में टू है टू आपका इधर की साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा कितना हो जाएगा टू सी तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी बहुत ही ज्यादा इजी सी एक्सरसाइज है ज़्यादा टफ इसमें कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिक्स एट इलेवन इलेवन और सिक्सटीन में काफी टाइम्स पूछा गया है तो ज्यादा टफ नहीं है आपको क्या करना है सबसे पहले इक्वेशन को किस फॉर्म में बना के देखना है एमडीएक्स प्लस एनडीवास टू जीरो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन बन रही है तो आप एम की वैल्यू निकालोगे एन की वैल्यू निकालोगे फिर एम का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे वाई के रिस्पेक्ट में और एन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर दोनों टर्म्स इक्वल

जाएगी ये वाली और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में ये वाली एम का पार्शियली पार्शियलीफ्रेंशिएशन करोगे वाई के रेस्पेक्ट में और एन का पार्शियली डिफेंशियन कर दोगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लोगे इजीली चलिए देख लीजिए एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करोगे वन तो कॉन्स्टेंट हमें जीरो का, e so e का, e का दोबारा से करोगे और हमें पता है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को तो कॉन्स्टेंट लेंगे तो x तो एज इट इज वन अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना होता है माइनस के वन अपॉन वाई स्क्वायर सेम ऐसे ही एन का करोगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली तो ये आपके दो फंक्शन बन जाएंगे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे सेकंड का, का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन का तो जीरो हो जाएगा यहाँ से इसका हो जाएगा वन अपॉन वाई तो ये यहाँ पे वन अपॉन वाई होगा स्क्वायर नहीं होगा ठीक है तो यहाँ से इसका हो जाएगा वन अपॉन वाई ये स्क्वायर जो था ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा प्लस क्या करोगे सेकंड फंक्शन का कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन का डिफेंशिएशन तो की एक पावर एक्स अपॉन वाई का करोगे ई की पावर एक्स अपन वाई और एक्स अपॉन वाई का फिर से करोगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के तो वन अपॉन वाई तो कांस्टेंट और एक्स का डिफेंशिएशन वन हो जाएगा अब यहाँ से देखिए ये माइनस के इी पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वन अपॉन वाई और इस वन की इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट टर्म क्या बचेगी माइनस के ई की पावर एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है उसके बाद में यहां से अगर आप देखो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है ये और डेल एन अपॉन डेल एक्स भी कितना आ रहा है ये वाली टर्म आ रही है तो इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ रहा है यहां से कंफ्यूज मत हो ना इसमें माइनस साइन अंदर लिया है इसमें माइनस साइन बाहर भारे नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में ही दोनों टर्म्स हैं तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रही हैं तो कैसी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल्स टू सी एम की वैल्यू पुट करोगे और एन की वैल्यू क्या पुट करोगे जो कि कि जिसमें x वाले टर्म्स ना होगा अब अगर आप n की वैल्यूज देखो तो ये भी x की फॉर्म में है ये भी x की फॉर्म में है तो e की पावर एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म्स आपकी x की फॉर्म में आएंगी तो इसलिए अगर आपका कोई भी अदर वेरिएबल नहीं है तो n की वैल्यू क्या आएगी इस कंडीशन में जीरो आ जाएगी इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका वन का तो कितना आ जाएगा एक्स ई e की पावर एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करोगे ई e की पावर एक्स अपॉन वाई और एक्स का कॉन्फिशेंट क्या है वन अपॉन वाई जो कि इसके डिवाइड में आ जाएगा प्लस जीरो का इंटीग्रेशन जीरो इज इक्वल्स टू में सी तो एक्स प्लस ये वाला वाई ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि आपको फाइंड करना था आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज सेवन में करने की ज़रूरत नहीं है बाकी के जो एक दो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप इसी टाइप से करके देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा बाकी एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना ठीक है देखिए बच्चों एक्सरसाइज एट करने से पहले आपको ये जितने भी आपके इलेवन फॉर्मले हैं ये सभी के सभी फॉर्मले आपको याद होने चाहिए क्या कि अगर फॉर्म बन रही है डी इन टू एक्स वाई तो ये किसके इक्वल होगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स के डी एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर के डी वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इसके डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इसके डिटेनवर्स एक्स अपॉन वाई इसके तो इस टाइप से ये टोटल के टोटल जो 11 फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए अगर ये आपको याद होंगे तभी आप एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अदरवाइज नहीं वैसे तो एक्सरसाइज 8 से भी क्वेश्चंस आपके बहुत कम पूछे जाते हैं आप चाहे तो देख भी सकते हो एग्जांपल्स भी इससे ज्यादा नहीं पूछे गए आपके मेरठ में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आया था 2019 में तो उसके बाद में एक्सरसाइज एट से आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन टू के बाद में पूछे ही नहीं गए हैं तो थर्टीन के बाद तो आपका वैसे भी सिलेबस चेंज हुआ था इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें से इतफाक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए वो भी इतनी आपको छूट मिलती है कि आप इतने क्वेश्चनस अटैम्प्ट कीजिए तो एक दो क्वेश्चन आपका स्किप हो सकता है बट आप कोशिश किया कीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो तो जितने भी टाइप्स मैं आपको बता दिया करूं आप उनको एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया कीजिए ठीक है तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज एट स्टार्ट

तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस के वाई dx माइनस एक्स डी वाई यानी कि क्या कर लोगे आप माइनस साइन को कॉमन ले लोगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा वाई डी एक्स और ये आपका माइनस का हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इन डी एक्स अब हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था तो हमने कौन से वाला फॉर्मूला बना दिया ये आपका वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बना दिया और हमें पता ही किसके इक्वल होता है डी एक्स अपॉन वाई के तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाईक्वल इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स अपॉन वाई यहां से देखिए इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के एक्स अपॉन वाई एज इट इज इधर की साइड एक्स का इंटीग्रेशन करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस इसमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एड कर दोगे कितना सी आ जाएगा ठीक है तो इस टाइप आपके क्वेश्चन होंगे ये आपका क्या जाएगा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टू इसके जैसे ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस इसको दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस में चेंज हो जाएगा जो इंटू में एक्स स्क्वायर है उसको इसके अपॉन में लेके आ जाओगे तो यहाँ पे ओनली एक्स बचेगा ये किसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर किसका होता है डी वाई अपॉन एक्स का तो चाहे तो आप इसके प्लेस पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाली टर्म आएगी इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो डी इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स ठीक है तो यहां से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू मे टू से आपका टू कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा गया एक्स स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल आउट कितना बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे आप कितना c यहां पे देखिए जो dx है ना ये dx का मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन से आपका इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर आपका वाई अपॉन एक्स ही बचेगा सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर इधर की साइड आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के वाई अपॉन नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू सी ये क्या आ जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे किस फॉर्म में है वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू तो ई के पावर एक्स इंटू इस वाई से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी टू एक्स वाई डी और अपॉन में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर इज करोगे इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन e पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ इक्वल्स टू जीरो किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका डायरेक्टली अगर आप देखो बुक से तो आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला बन रहा है टू वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर किसके इक्वल है डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपन वाई के तो इसके प्लेस पे हम क्या क्या रख सकते हैं डी एक्सक्वायर अपन वाई इससे कैंसिल आउट तो ई की पावर एक्स प्लस यहाँ से टर्म कितनी बची एक्स स्क् अपोन वाई इसमें क्या करोगे आप इंटीग्रेशन कॉन्टेंट सी एड कर दोगे और इज इक्वल्स टू में जीरो तो ध्यान रखना इसमें जो इंटीग्रेशन होंगे इनमें आपके डायरेक्टली फॉर्मुला बन जाएंगे एक टर्म का आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा जो कि आपको याद होना चाहिए ट्वेल्व जो आपके इलेवन फॉर्मुले मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे वाइज नहीं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इसी में क्या है यह आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ए एक्स इस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे कंप्लीट इक्वेशन में तो आपके पास में ये टर्म आ जाएगी इंटीग्रेशन कर दोगे ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा किसका डी की पावर एक्स अपॉन वाई का तो इसके प्लेस पे ये पुट करोगे इज इक्वल्स टू में जीरो डिफेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट यहाँ पर टर्म बचेगी ई e की पावर एक्स अपॉन वाई और इसमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट या तो इधर एड कर देना प्लस सी या फिर इज इक्वल्स टू में से लिख देना वो आपकी मर्जी है ठीक है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आपका कहीं पर भी ऐड हो जाए Okay. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव इसी में ही क्या है ये आपको इक्वेशन दे दी सबसे पहले इस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे कंप्लीट इक्वेशन में ध्यान रखना फॉर्मूला आपको अपने आप बनाना चाहे एक्स स्क्वायर लेके डिवाइड कर दो या फिर वाई स्क्वायर लेकर आपको देखना है कि आपका फॉर्मूला कौन सा बनेगा तो यहाँ से वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दोस्स तो e टू में जीरो तो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ से टर्म क्या बचेगी वाई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई अपन वाई स्क्वायर इसके अपॉन में अलग से अपरेट कर लो क्योंकि हमें पता है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बचेगा वाई डी वाई इजक्ल्स टू जीरो

क्वेश्चंस और है करके देख लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए बाकी से जो आगे की एक्सरसाइजेज है वो आपको इसमें नहीं करनी है आई होप आपको सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सेवन और एट एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी उसके बाद में नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये चारों एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है उनसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे सो so आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट क्लियर हो गया होगा इससे ज्यादा आपको इसमें करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसी के साथ में आपकी जो फर्स्ट बुक है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये आज बिल्कुल कंप्लीट होती है अब इसमें आपका ना ही कोई टॉपिक बचाए और ना ही कोई चैप्टर बचाए जो कि मैंने छुटवाया है इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड थ्योरी का भी आपको जितना बचा था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी है तो भी वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं वीडियो हेल्पफुल लगती है या फिर नहीं और अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद